రాష్ట్రాన్ని కేసీఆర్ అప్పులపాలు చేశారని మండిపడ్డారు బీజేపీ చీఫ్ జేపీ నడ్డా. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా నిజామాబాద్ లో బహిరంగ సభలో ఆయన పాల్గొన్నారు. కుటుంబాన్ని బాగు చేసుకోవడం, అవినీతి చేయడం తప్ప కేసీఆర్ చేసిందేమీ లేదని ఫైర్ అయ్యారు. కుటుంబ పాలిత పార్టీలతో బీజేపీ పోరాడుతుందన్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కేసీఆర్ కు ఏటీఎం గా మారిందని విమర్శించారు. దళిత బంధులో 30% కమిషన్లు తీసుకున్నారన్నారు జేపీ నడ్డా. ये जो बीआरएस है ना, भ्रष्टाचारी राक्षस सुलभ और समिति, इसको घर बैठाना है और भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाना है. कि ये जो धरनी पोर्टल है, धरनी पोर्टल, यह केसीआर के द्वारा जमीन को हरनी पोर्टल है. हरनी पोर्टल कैसे जमीन को अपने कब्जे में लिया जाए, ये धरनी पोर्टल के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो हमारे दोनों कैंडिडेट को आपको हैदराबाद भेजना होगा विधानसभा में, इसकी आपको चिंता करनी पड़ेगी. आपके ध्यान में है ना कालेश्वरम का प्रोजेक्ट, ये केसीआर का एटीएम है. एटीएम जब पैसे की कमी पड़े तो कालेश्वरम का प्रोजेक्ट का साइज बढ़ा दो. 38,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, आज ये 1,20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हो गया है. और आपके ध्यान में है ना इसका ब्रिज धस गया, आपके ध्यान में है कि नहीं है? है ना. अब आपने याद रखना 30 तारीख को बीआरएस को हटा देना और फिर हम इसकी इंक्वायरी करेंगे और दोषियों को अंदर डालेंगे. यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं, मियापुर का लैंड स्कैम मालूम है ना, 692 एकड़ की जमीन, और यह जमीन जो सरकारी भूमि थी इसको अवैध रूप से हस्तांतरित करके बहुत बड़ा घपला घोटाला ये केसीआर की सरकार ने किया है. बोलो इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं पीछे से सुनना चाहती हूं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 30% कमीशन, बोलो ये गरीब लोगों के साथ अन्याय है कि नहीं है? गरीब के साथ अन्याय है कि नहीं है? दलित भाइयों के साथ अन्याय है कि नहीं है? ये बीआरएस के कार्यकर्ता और नेताओं को 30 तारीख को आपने छुट्टी कर देनी, इसकी आपको चिंता करनी पड़ेगी. मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं, आपके यहां प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना था, उसका नाम बदल दिया, क्या कर दिया, 2 BHK. किसी को मिला मकान? ये सपना दिखाते रह गए और प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना उसको भी नहीं लगने दिया. अब आपने भी 30 तारीख को बीआरएस के पांव नहीं लगने देना, इनको हरा देना और फिर देखना किस तरीके से यहां 2 BHK का मकान बनता है, उसकी भी हम आपके बताना चाहते हैं. प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5G ला दिया कि नहीं ला दिया? 5G आया कि नहीं आया? तुम्हारे मोबाइल पे 5G आता है कि नहीं आता है? और यहां 5G बीआरएस भी लेके आया. क्या घपलाबाजी, घूसखोरी, घोटाला और गुंडाराज और गरीबी, ये 5G केसीआर भी लेकर के आया. मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई कि नहीं हो गई? और अब आपने इन दोनों को जिताना, अगले साल फिर से 2024 में मोदी जी को जिताना, भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं. अभी प्रधानमंत्री जी ने हल्दी बोर्ड घोषित किया है, हल्दी के दाम को आपको सही दाम मिल सके और हल्दी का प्रोसेसिंग प्लांट भी लगे, इसकी भी हम चिंता करेंगे और इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे. इसके साथ साथ धान पर 3,100 रुपए, जो धान पर 3,100 रुपए हम MSP देंगे, और हल्दी के लिए भी हम इफेक्टिव मार्केट इंटरवेंशन स्कीम बनाएंगे.